बस कुछ ही दिनों में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। 22 जनवरी एक ऐसा दिन जिसका इंतजार लगभग 500 सालों से किया जा रहा है। 16वीं शताब्दी में भी बहुत ऐसे लोग थे जिनका सपना था राम मंदिर बनाने का। उसके बाद भी बहुत लोगों ने जान गंवाई और कितनों ने लगभग 50 वर्ष सिर्फ कोर्ट घूमते घूमते बिता दिए सिर्फ हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। वही मंदिर जिसे 1528 ईस्वी में बाबर ने गिरवा दिया था। सफलता रातों रात नहीं मिलती। इतने सालों की तपस्या के बाद हमारी आंखें उस मंदिर के दर्शन कर पाएंगी जो बहुत लोगों का सपना था। यूं तो अयोध्या में हजारों मंदिर हैं, लेकिन यह एक स्थल जिसे प्रभु श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। कितने विदेशी रिसर्चर्स ने यह माना है कि मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। बहुत सारी ऐसी खुलासों के बाद वहां नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी थी, लेकिन 1855 के बाद वहां मुसलमानों को जाने की अनुमति तो मिली, लेकिन हिंदू नहीं जा सकते थे। उसके बाद गुंबद से 150 फीट की दूरी पर बनाए गए राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी गई। बहुत सारे हंगामों के बाद भी यह संभव नहीं हो सका। अगस्त 2019 के मामले में जुड़ी सभी पक्षों की सुनवाई के बाद और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर शुरू होता है भव्य राम मंदिर का निर्माण। 1528 ईस्वी में राम मंदिर गिराने के 492 साल बाद फिर से मंदिर का निर्माण होने वाला है और लगभग पूरा भी हो चुका है। यह सपना करोड़ों लोगों का है, तो सिर्फ हमारा नहीं हो सकता। आप भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने घर में एक दीपक जरूर जलाएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें।